चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको इसी करने के लिए मैं थर्ड फ्रेट पे केपो यूज किया है, इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड्स बताऊंगा, ठीक है। जो पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर, ई माइनर। द सेकंड वन इज सी मेजर, ठीक है। उसके बाद है जी मेजर और लास्ट में डी मेजर, ठीक है। तो ये चार कॉर्ड्स यूज हुए, फिर से देख लेते हैं। ई माइनर, सी मेजर, G major and D major, ठीक है। I hope आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जिसमें मैंने रिदम यूज किए वो है डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप, और जो लास्ट में डाउन अप लग रहा है वैसे फिलर भी काम करेगा, तो एक्स्ट्रा डाउन लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 8 है। डाउन डाउन अप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। इस पूरे गाने में एक बेसिक सी प्रोग्रेशन यूज हुई है, वो है ई माइनर टू सी मेजर, जी मेजर टू डी मेजर, ठीक है। ई माइनर टू सी मेजर, देन जी मेजर टू डी मेजर, और ये पूरे गाने में यही रहेगा, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस तरीके से बजेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक रिदम में दो कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं, मतलब हाफ ऑफ रिदम प्ले होगी, जैसे कि ई माइनर पे हाफ रिदम और सी मेजर पे हाफ रिदम, उसी तरह जी मेजर पे हाफ रिदम एंड डी मेजर पे हाफ रिदम। इस तरीके से इसी तरह डाउन डाउन फिर डी पे अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। तो जो प्रोग्रेशन रहेगी वो ई माइनर सी मेजर जी मेजर डी मेजर ही रहेगी। तो पहली लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन एग्जैक्टली सेम, नेक्स्ट लाइन बाद बंदिया, जो प्रोग्रेशन रहेगी वो पूरे सॉन्ग में सिंपल एक ही रहेगी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को मैं प्ले करके दिखा देता हूं। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम है, सेम प्रोग्रेशन यूज होगी, ई माइनर सी मेजर जी मेजर एंड डी मेजर, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आई होप इस सॉन्ग को प्ले कर लेंगे, इजी सा सॉन्ग है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।